हम आपको दिखाएंगे ज़रा ऊपर का व्यू। तो हमारा जहाज अब जाने वाला है, उसको देखिएगा। ये व्लॉग बनेगा ना करो यार। शफकत भाई आ गए हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट है, चालू है, शुरू है। अभी हम आज़ाद भी लोगों को छोड़ेंगे, उसके बाद मिलेंगे कल इंशाल्लाह। लैपटॉप उठाएंगे, लैपटॉप उठा के फिर हम मिलेंगे कल, और कल का व्लॉग मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह। अब जा रहे हैं जी बिल्कुल, मतलब अभी हम सुबह मिलेंगे, सुबह इंशाल्लाह लाजमी, पूरे 3 सेकंड के बाद ऐसे सर इंशाल्लाह। मतलब इसमें तो हम ट्रांजिशन लगाएंगे ना ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं, मुझे खर्चे होंगे फिर फाड़ोगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज़ाद भाई और शफकत भाई को मैंने छोड़ दिया, अभी मैंने उठाना है लैपटॉप, और लैपटॉप उठा के फिर मिलेंगे कल। मतलब अब कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता जा रहा है, क्योंकि गैजेट्स ठीक हो गए हैं, कैमरा ठीक हो गया है, इसका कुछ मसले हैं, फोकस में इशू है, एक्सपोजर का भी मसला है, मतलब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। और मतलब अब रेगुलर हम करेंगे व्लॉग्स इंशाल्लाह। बस शाम का टाइम हो गया, अभी लैपटॉप उठाते हैं, मतलब सेटिस्फाई हूँ अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज़ अब रूटीन में आ जाएगी, मज़ा आएगा, लाइफ स्टाइल ओके। मिलते हैं एक मिनट शॉप पे। सामने मेरी सुनना वा गल्ला बटा के मैं तेरी तू गल सुन सुन जैसे कि चेक किया, लेकिन इसका भी काम कुछ रहता है, अब कोई इशू नहीं, वाटर डैमेज की वजह से इशू आया सारा। एक और मैं है कि मुझे बड़ी खुशी है कि वाटर डैमेज होने के बावजूद बन गया, इसके कंपोनेंट मिल गए हैं, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, बावलपुर में ना ओमन कोई यूज़ नहीं करता है, जब तक तो इनके स्क्रैप में सेम जनरेशन के ना मिले तब तक आप कंपोनेंट नहीं चेंज कर सकते। दो तीन लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप पे गया था, उन्होंने कहा था भाई आपका लैपटॉप डेड है, जिसकी वजह से मतलब बहुत परेशानी हुई थी। अभी इसकी बैटरी लो है, ये सेट हो गया लैपटॉप, इसको चलाते हैं और सुबह मिलते हैं, मतलब इसको चार्ज करके नए ब्लॉग में, मतलब सुबह 1 सेकेंड में मिलते हैं। सुनना वा गला बटा के मैं तेरी तू गला सब छोड़ ना वे आजा मेरे कोल ना वे मैं दिल तेरे नाल लाके मैं दिल मेरा तोड़ ना दे तू गला सब छोड़ ना वे आजा मेरे कोल ना वे मैं दिल तेरे नाल लाके। एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हमारा लैपटॉप फिट हो गया, लैपटॉप ठीक हो गया, और बैड न्यूज़ ये है कि हमारे लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, मतलब उसकी जो बैक लाइट चल रही थी वो नहीं चल रही है, मतलब यूज़ टू हो जाएंगे हम। आज है 5th of September 2020, 4th of September को मैं व्लॉग नहीं कर सका हूँ, तो आज आज़ाद भाई इधर हैं, हमारे साथ शक्कर भाई हैं, इमरान भाई हैं, फिर हमारा व्लॉग शूट कर रहे हैं वो हैं आज़ाद भाई। आज़ाद भाई आज आए हैं हमारे पास, मतलब इन्होंने कल जाना था लेकिन कल नहीं गए, आज 5th September को उनको मैंने बोला था कि आज आप ना जाएं हम ब्लॉग करेंगे। सर आपकी मोहब्बत है, सब आपकी मोहब्बत है सर। तो आज अब हम आए हुए हैं मॉडल कॉलोनी, भैया इसके आप ड्रोन शॉट देखें, ड्रोन शॉट, क्या बात है सर, आखिर कर दिया आपने। अभी हम आए हुए हैं मॉडल कॉलोनी, जो कि बहावलपुर की, वैसे पाकिस्तान में जितनी मॉडल कॉलोनीज़ हैं बड़ी लेवल की बनाई हुई हैं, बहावलपुर में ये बनाई है मॉडल कॉलोनी जो आपको मैंने दिखाई है, मतलब जो अभी आपने देख ली होगी ऊपर से। और आज हमारे साथ आए हैं आज़ाद भाई, शफकत भाई, तो हमने इनको कहा कि आज इनको हम दिखाते हैं कोई सर हट के चीज़, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ भैया, ये टिकटॉकर्स की बड़ी मतलब गोल्डन प्लेस है, और जो न्यूली मैरिड
कपल होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं शूटिंग के लिए। मतलब इतनी खूबसूरत प्लेस यहाँ पे बनाई हुई है बहावलपुर में। और आज हमारे साथ इतने बड़े बड़े व्लॉगर आए हैं सर, बड़े इधर बड़े व्लॉगर्स, बड़े व्लॉगर्स भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब हम सीन इंजॉय कर रहे हैं। मौसम अच्छा था, बारिश वगैरह चलती रही है, लेकिन आज अभी गर्मी लग रही है हमें। तो आज हमसे एक गलती हो चुकी है, हम साथ में रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ नहीं लाए। मेरे ख्याल से वहाँ पे सर वो पेंचर की दुकान अच्छा वो पेंचर की दुकान में कर, नहीं तो हमारा प्लान था कि यार इतनी खूबसूरत प्लेस के साथ हमारे साथ लेज होना चाहिए था, पॉपकॉर्न होने चाहिए थे, कुछ ना कुछ होना चाहिए था। वाह जमर भाई, बहुत ही प्यारी जगह है। हम ट्रेनिंग के लिए आए थे, काफ़ी बोर हो गया था, आपने हमें रिसीव किया, ये हमारी खुशकिस्मती है। नहीं, आपकी मेहरबानी है। शफकत भाई जॉब करते हैं लहिया में, बैंक मैनेजर हैं ये, NRSB बैंक मैनेजर। कोई बात नहीं, इसके एक्स्ट्रा पैसे लगे ना, आप एक्स्ट्रा पैसे दीजिएगा सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये बैंक मैनेजर बना दिया हमें। लेकिन ये आपने हमारी वो बैंक की जो वो कर रहे हैं ना, NRSB का नाम बताया ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग इस्लामिक बैंक में काम करते हैं, और NRSB फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस है जो इस्लामिक में काम कर रहा है। सर ये देखिए मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है सर। सर माशाल्लाह हमारा ये टूर जो है ना बहावलपुर में स्पेशली जो है बैंक की ट्रेनिंग के लिए भी था, और साथ उमर भाई को भी मिलना था, कुछ गट्स लेने थे इनसे। मज़ीद ये है कि अभी ये स्पेस जो है जहाँ पे उमर भाई ने सिलेक्शन किए गए, आज हम यहाँ विज़िट करते हैं। 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर का तकरीबन है डिस्टेंस बहावलपुर से, लेकिन 10 किलोमीटर, लेकिन फिर भी इधर काफ़ी कम्युनिटी आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे जो है ना यहाँ पे अपनी शूटिंग के लिए, फोटोशॉप के लिए, और ये सारे जो है ना अपना इधर इंटरटेनमेंट के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हम आपको दिखाएँगे ज़रा ऊपर का व्यू, तो हमारा जहाज़ अब जाने वाला है, उसको देखिएगा। भैया ये था आज का व्लॉग, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए हैं तो यार आप मस्ट लाइक करें और शेयर करें। सर बहुत ही क्लासिक व्लॉग बनेगा आज जो आपने ये जो ड्रोन शॉट्स खास तौर पे, और ये लोकेशन रिकमेंडेड है। अगर आप बहावलपुर आए हुए हैं या बहावलपुर के नज़दीक हैं तो ये मॉडल कॉलोनी है, यहाँ से DHA के साथ ही है, मतलब मस्ट विजिट प्लेस है ये। यहाँ पर आएँ, पिक्चर्स वगैरह लें, विजिट करें। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं पिकनिक मनाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी लेते हैं। तो आज भी हमने विजिट कराया आज़ाद भाई को। अगर आज़ाद भाई आज इधर हैं, कल भी इधर होंगे, तो हम व्लॉग बनाएंगे कल का भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। गुड न्यूज़ ये है कि मेरा लैपटॉप ठीक हो गया है, बट